नमस्कार। और आपने लॉग इन किया है रेसलिंग न्यूज हिंदी चैनल में। सो गाइस, आज की यह वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमन रेंज की। उन्होंने बॉबी लेशली को हराने के बाद क्या कहा। दरअसल WWE रो के मेन इवेंट मैच में बॉबी लेशली को हराकर रोमन रेंज ने समरस्लैम का टिकट कटा लिया है। समरस्लैम में अब यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंज और ब्रोक लेसनर के बीच मैच होगा। रो में बॉबी लेशली को हराने के लिए रोमन रेंज को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मैच के दौरान दोनों ही सुपरस्टार्स फेवरेट लग रहे थे, लेकिन आखिर में बाजी रोमन रेंज ने मारी। रोमन रेंज बॉबी लेशली के खिलाफ मिली जीत से बेहद खुश नजर आए। रो खत्म होने के बाद WWE के प्रेजेंटर माइक रोम ने रोमन रेंज का बैकस्टेज इंटरव्यू लेते हुए पूछा कि लेशनर से पिछले मुकाबलों में इन्हें हार मिली है और ऐसे में समरस्लैम के लिए वो क्या खास तैयारी करने वाले हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए रोमन रेंज ने कहा कि ब्रोक लेशनर के बारे में वो अगले हफ्ते सोचेंगे। अभी वो द बी टीम यानी बोर्डलेस एंड कर्टिस एक्सल के साथ पार्टी करने जा रहे हैं। अगले हफ्ते रो में रोमन रेंज और ब्रोक लेशनर का आमना सामना होगा। रोमन रेंज ने बी टीम के साथ पार्टी का इसलिए कहा क्योंकि आज की रो में द बी टीम ने ब्रे वाइट और मैट हार्डी को हराकर अपने रो टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करने के बाद बी टीम ने बैकस्टेज माइक रोम को इंटरव्यू में कहा कि वे रोमन रेंज को ढूंढ रहे हैं ताकि उनके साथ पार्टी कर सके। तो रोमन रेंज ने इस तरह से बी टीम को जवाब दिया। रोमन रेंज को एक बार फिर से ब्रोक लेसनर के साथ मैच लड़ने और यूनिवर्सल चैंपियन बनने का मौका मिल गया है। रोमन रेंज लेसनर से रेसलमेनिया 34 और ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में मिली हार का बदला लेने की ताक में होंगे। माना जा रहा है कि रोमन रेंज समरस्लैम में यूनिवर्सल चैंपियन बन ही जाएंगे। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।